दोस्तों TrueTech Reporter में मैं राज आपका अपना रिपोर्टर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं वो आपके बुजुर्गों के या खासकर आप कहिए तो एक एज एंड अबव काफी काम आने वाला प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के मैं बाकी और भी अलग अलग वेरिएंट्स लेके आया हूं, लेकिन जो मैं आज आपके लिए वेरिएंट लेके आया हूं ये है Easyfone का Shield Plus। ये जो फोन है ये बहुत ही यूनिक फोन है क्योंकि ये ड्रॉप टेस्टेड है, ये काफी हद तक वाटर रेजिस्टेंट भी है। इसके क्या यूनिक फीचर्स हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है आपके एल्डर्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और क्या ये वर्थ द वैल्यू एंड प्राइस है कि नहीं। सो दोस्तों ये है हमारा Easyfone का शील्ड। जैसा आप इसकी पिक्चर में देख सकते हैं काफी यूनिक फोन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ एक यूनिक फीचर्स। सबसे पहले जो Easyfone डिक्लेयर करता है वो ये डिक्लेयर करता है कि ये रगेड IP68 टेस्टेड फोन है। कहने का मतलब ये बोथ ड्रॉप टेस्टेड है बट एट द सेम टाइम ये काफी हद तक वाटर रेजिस्टेंट फोन है बिकॉज IP68 इज अ वेरी गुड रेटिंग। जो दूसरी चीज इसके अंदर वो क्लियरली डिफाइंड है कि इसका जो स्क्रीन साइज है वो काफी बड़ा है, 2.8 इंच का IPS स्क्रीन है, तो वो भी काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट जो है जो इसकी बैटरी है वो है 2500 mAh की बैटरी। इसको आप एज अ पावर बैंक पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एक SOS का बटन भी है। यहाँ पे यदि आप देखें तो इसको स्कैन करने के लिए एक हमें QR कोड मिलता है जिससे आप इसका ऑपरेटिंग मैनुअल और इसके बाकी फीचर्स भी एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये फोन अंदर से कैसा है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर जो हमें इसके साथ ये जो कवर मिलता है इसे निकालते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा फोन है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 4500। अलग अलग डिस्काउंट्स इसके ऊपर कभी कभी अवेलेबल होते हैं। इसको हम खोलते हैं। चलिए ये यहाँ से खुलेगा तो हम कुछ इस तरीके से इसे यहाँ से निकालते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह की पैकिंग इसके अंदर हमें मिलती है। ये है सबसे पहले हमारा फ़ोन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा फ़ोन है ये। यदि मैं साइज़ वाइज देखूँ तो ये देखिए ये मेरे हाथ के कंपैरिजन में करीब इतना बड़ा है, तो ये कह सकते हैं ये 8 इंच का फ़ोन है। एंड जो इसकी विड्थ है वो है तकरीबन 4। तो कुछ इस तरीके से इसका फर्स्ट लुक है। बटन जो है वो काफ़ी उभरे हुए हैं बाहर। यदि मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक से दिखाऊँ तो काफ़ी उभरे हुए बटन है। ये जो सेंटर बटन है ये इसको अलग कलर से इंडिकेट करता है, ऑरेंज, यहाँ पे रेड कलर उसको कट करने के लिए, और ग्रीन कलर ये काफ़ी जो हमारे एज ओल्ड पीपल होते हैं उनके काफ़ी काम आते हैं कलर इंडिकेटिव कलर्स। यदि हम साइड की बात करें तो ये देखिए साइड में हमें इसको ग्रिप करने के लिए ये ऑरेंज की एक तरह से स्ट्रिप मिलती है। बैक साइड जो है कुछ इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। वाओ, दिस इज़ यूनिक। लेट मी टेल यू, ये जो है आप देख रहे हैं इसको वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए इसके चारों ओर इस तरह की ये एक तरह की पैकिंग दी गई है। और अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए इसके अंदर डुअल सिम के फीचर है और साथ साथ एक SD कार्ड के लिए भी जगह है। इसके साथ हमें कैमरा मिलता है। यहाँ पे ऊपर यदि आप देखें तो स्पीकर के लिए ग्रिल है। नीचे की तरफ देखें तो अगेन बिकॉज ये IP68 फोन है, यहाँ पे जो है इसको चार्जिंग पोर्ट को इन्होंने एक तरह से कवर किया हुआ है। और नीचे की तरफ हम यदि देखें तो नॉर्मल USB Type-A चार्जिंग स्लॉट मिलता है और इसको आप दोबारा से इस तरह से पैक कर सकते हैं ताकि अंदर चला जाए। और ड्रॉप टेस्टेड है। इसके क्रेडल के लिए भी हमें यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। यदि आपके घर में जो एल्डर हैं जिनको आप ये फ़ोन देने वाला है वो यदि नॉर्मल इसे यदि कई बार उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है चार्जर लगाने में तो क्रेडल के ऊपर आप इजीली इसे रख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम इधर की बात करें जो है इसके राइट हैंड साइड की, वहाँ पे एक SOS का बटन है। टिपिकली Easyfones में ये बटन पीछे की तरफ यहाँ पे होता है बट इस बार इन्होंने यहाँ पे साइड में दिया है। यदि हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें एक टॉर्च मिलती है। और टॉर्च के अलावा यहाँ पे भी यदि आप ये देखें तो ये देखिए 3.5 mm जैक के लिए, यहाँ पे ये देखिए 3.5 mm जैक के लिए हमें एक जगह मिलती है। यदि हम कॉर्नर की बात करें तो लैनियार्ड लगाने के लिए हमें यहाँ पे एक छोटा सा ये जो है वो पिन होल मिलता है। और कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल डिज़ाइन है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी रॉकेट डिज़ाइन लगा मुझे ये। चलिए मैं इसको एक बार साइड में रखता हूँ और देखते हैं कि हमें इसके अंदर और क्या मिलता है। इसके अलावा देखिए हमें इसके साथ ये जो है इसका एक चार्जर मिलता है। ये रहा हमारा चार्जर। तो जो चार्जर है वो वायर देखिए आप चार्जर के साथ ही लगे हुए हैं और ये नॉर्मल यूएसबी टाइप ए चार्जर है। ये जो चार्जर है ये 5 वोल्ट का चार्जर है। चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। इसके अलावा हमें इसके साथ ये एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है ताकि हम इसका जो ये जो पीछे का पोर्शन है हम इसे क्लोज कर सकें। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये 4 स्क्रूज हैं जिसके ज़रिए आप इसे बंद कर सकते हैं। फिर जो हमें इसके साथ मिलता है वो मिलती है एक इसकी बैटरी, काफ़ी बड़ी बैटरी है। 2500 mAh की बैटरी इस तरह के फ़ोन के लिए काफ़ी बड़ी बैटरी है और काफ़ी हैवी बैटरी है। देखिए इसके ऊपर भी Easyfone की ब्रांडिंग है और 2500 mAh लिखा हुआ है। लास्ट नॉट द लीस्ट इसके साथ हमें जो इसका ये वारंटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो कार्ड मिलता है वो है, और फाइनली ये हमें एक बुकलेट मिलती है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरऑल डिज़ाइन लुक एंड फील है। चलिए अब मैं इस फ़ोन को चालू करके आपको दिखाता हूँ और ख़ासकर इसे मैं आपको इसे बंद करके इसके फीचर्स दिखाता हूँ ताकि आप इससे थोड़ा कनेक्ट कर पाए। दोस्तों देखिए फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन मैं आपको दिखाता हूँ ये शील्ड फोन नॉर्मल इजी मार्वल के कंपैरिजन में ये एक और इसका वेरिएंट है, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि कंपैरेटिवली कितना डिफरेंस है। तो ये काफ़ी बड़ा फ़ोन है और इसको होल्ड करना किसी भी एल्डरली पर्सन के लिए बड़ा आसान होगा एज इन कंपैरिजन विद दिस वन। तो ये मुझे एक चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा देखिए यदि आप स्क्रीन देखें तो ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है स्क्रीन का। ये देखिए इसके कंपैरिजन में से मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं इसके अंदर सिम कार्ड लगा के इसे चालू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका फर्स्ट लुक कैसा है। देखिए दोस्तों अब इसको बंद करना जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके अंदर आपको ये 4 स्क्रूज मिलते हैं तो आप इन्हें कहीं गुम ना करें, ये बेटर होगा। और इन स्क्रूज के अंदर ये देखिए इसको पैकिंग को लगाना बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं इधर पैकिंग में लगा देता हूँ। तो जब कुछ इस तरीके से इसका जो बैक कवर है वो आपको लगाना है। और ये देखिए थोड़ा मैं आपको ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये जो रनिंग पैकिंग है, ये देखिए ये जो पैकिंग है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये जो पैकिंग है इसको आपको चारों इन स्क्रूज में लगाना है और फिर बड़े ध्यान से इसे इसके ऊपर लगा देना है। ऑब्वियसली ये एल्डर्स तो आपके नहीं कर पाएंगे, ये आप ही को उन्हें करके देना होगा। और करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसे स्क्रू टाइट कर दीजिए चारों तरफ से। और अब इसको चालू करने के लिए आपको सबसे पहले इस बटन को, जो पावर ऑन बटन भी है, उसको दबाना है और इस तरीके से इसे चालू करना है। ये देखिए ये है इसका फर्स्ट लुक। और सबसे पहले ये हमें भाषा चूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें अक्सर मुझसे आप सवाल पूछते हैं कि किस किस तरह की भाषाएं हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी, फिर उसके बाद ये मुझे लगता है कि कन्नड़े का या फिर तमिल होगी, ये गुजराती है फॉर श्योर, ये पंजाबी है, ये मुझे नहीं पता कौन सी भाषा है। तो मैं चूज़ करता हूँ इंग्लिश ही एज ए स्टैंडर्ड और प्रेस करता हूँ ओके। यहाँ से आपको ओके करना है। और ये है हमारा फर्स्ट लुक इस फ़ोन का। ऊपर की तरफ यहाँ यदि हम देखें तो जो इसका सिग्नल इंडिकेटर वो है, ये मैसेजेस के लिए है। यहाँ पे जो है वो टाइम है, फ़िलहाल जो है वो 26 मार्च संडे का दिन है, रात के 12:15 हुए हैं। यहाँ पे मेन्यू और यहाँ पे क्विक मेन्यू है। ये जो है वो क्विक मेन्यू के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको अलार्म मिलता है, फिर FM रेडियो, फिर डिलीट ऑल इनबॉक्स मैसेजेस, डिलीट ऑल कॉल लॉग्स, यहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट, यहाँ पे वाइट लिस्ट, फिर 7वें पे वॉल्यूम, 8वें पे SOS, 9 पे फोन कॉन्टैक्ट, 10 के ऊपर हाइड मेन मेन्यू, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से 10 के 10 ऑप्शन मिलती हैं। इसको कैसे ऑपरेट करना है, मैंने एक Easyfone का ऑपरेटिंग मैनुअल या आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग वीडियो, पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां पे इसे देख सकते हैं और इसे सेटअप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहें तो अमेजोन से इसे परचेज करना चाहें तो आप वहाँ से इस फ़ोन को परचेज भी कर सकते हैं। मेन्यू की अब यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज़ इसके अंदर क्या मुझे जो लगी वो बहुत अच्छी है और प्यारी है एज इन कंपैरिजन विद अदर वंस। इसकी जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, बिकॉज इसका जो स्क्रीन है वो IPS स्क्रीन है जिसकी वजह से जो इसका नेट रेजोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले हमें मल्टीमीडिया प्लेयर मिलता है, फिर उसके बाद मिलता है क्विक मेन्यू, फिर है हमारी सेटिंग्स, फिर यदि हम देखें तो कॉल लॉग है, फिर फोन बुक है, नेक्स्ट इज मैसेजेस, फिर उसके बाद हमें मिलता है फाइल मैनेजर, फिर मिलता है कैमरा जिसकी पिक्चर रेजोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर है ऑर्गेनाइजर, और इस तरीके से कि हमें इसके जो 9 अलग अलग आइकन्स हैं वो मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कैमरा की। सबसे पहले तो ये देखिए मैंने इसके कैमरा को टर्न ऑन किया है और मैं कुछ इस तरीके से इस प्लांट की पिक्चर लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, तो ऐसा है कुछ इसका पिक्चर रेजोल्यूशन। बहुत ही नॉर्मल कैमरा है इसका और बहुत ही ऑर्डिनरी कैमरा है, बट ऑब्वियसली ये फ़ोन आप कैमरा पर्पस के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो है आप अपने एल्डर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस विच इज़ सेफ्टी एंड ईज ऑफ यूज़। यहाँ पे यदि आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले प्रोफाइल्स मिलता है, फिर फ़ोन सेटिंग्स हमें मिलता है, फिर मिलता है सिक्योरिटी सेटिंग्स, फिर है नेटवर्क, फिर डुअल सिम सेटिंग्स हैं, फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स हैं। फिलहाल मैं जाऊँगा फ़ोन सेटिंग्स पर। एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें करना चाहूँगा। फ़ोन सेटिंग्स में यदि आप जाएंगे तो टाइम, डेट, शेड्यूल सब कुछ है। डिस्प्ले में जाके मैं इसका एटलीस्ट जो वॉलपेपर है उसको बदलना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम सिस्टम डिफाइंड वॉलपेपर्स देखते हैं। एक इमेज हमें इसके अंदर मिलती है जो ये ऑरेंज इमेज। दूसरी यदि हम देखें सिस्टम डिफाइंड में तो ये हमें ब्लू कलर की मिलती है। तीसरी मिलती है ये मल्टी कलर। तो ये 3 इमेजेस जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। मैं इसमें ऑरेंज चूज़ करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा लगेगा। ये देखिए कुछ ऐसा इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है। देखिए मल्टीमीडिया सेटिंग्स में जब हम जाते हैं यहाँ पे तो हमें ऑडियो प्लेयर मिलता है, इमेज व्यूअर, वीडियो प्लेयर, वीडियो रिकॉर्डिंग एंड साउंड रिकॉर्डर। इसके अंदर साउंड रिकॉर्डर भी है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आई होप साउंड रिकॉर्डर और कॉल रिकॉर्डिंग 2 अलग अलग चीज़ें हों। यस, ये नॉर्मल एक साउंड रिकॉर्डर है, कॉल रिकॉर्डर नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्डर है, ये वीडियो प्लेयर है, ये इमेज व्यूअर है। तो ऐसा है ये। हम बात करेंगे अब इसके रेडियो की। यस, मैं इसको लेके थोड़ा सा उत्सुक हूँ और क्विक मेन्यू में जाके हम इसका रेडियो एक बार देखते हैं कैसा है। इसमें बैकग्राउंड प्ले की भी ऑप्शन है जिसमें आप चाहें तो ये गाना जो है वो बैकग्राउंड में प्ले हो सकता है। यदि आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, जो नीचे आप देख रहे हैं हैश का बटन, ये प्रेस करना है और ये इसका पीक वॉल्यूम है। काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा इसकी एफएम की क्वालिटी है। और यहाँ से यदि आप चाहें तो इसका वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। बंद करने के लिए आपको सेंटर का बटन दबाना होगा। इसके अलावा देखिए जो 1 है इसके ऊपर एक बैटरी का इंडिकेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप 1 को प्रेस करेंगे तो चार्जर जो है वो ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब आप यहाँ से इसका चार्जिंग आउटपुट भी ले सकते हैं। और इसके चार्जिंग आउटपुट के लिए हमें एक स्पेसिफिकली ये जो है वायरस के साथ मिलती है जो आप लगा सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप ये देखें तो USB एक्सटेंशन इसमें अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका जो चार्जिंग है वो ऑन कर सकते हैं और दोबारा आपको इसे प्रेस करेंगे 1 को तो ये ऑफ हो जाएगा। कॉर्नर वाला यदि आप बटन दबाएंगे जो है एस्टेक बटन, जिसकी वजह से क्या है कि ये लॉक हो जाएगा और अनलॉक होगा। सेंटर वाला जो बटन है वो है टॉर्च के लिए। ये देखिए जब मैं दबाता हूँ तो फ्लैश लाइट ऑन, ये देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। और जो इसकी लाइट है वो काफ़ी येलोइश है इन कलर। ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी अच्छी लाइट है। तो हम दोबारा प्रेस करते हैं और इसे बंद कर देते हैं। एंड लास्ट जो है वो है हमारा ये कॉर्नर वाला बटन। जब हम इसे प्रेस करते हैं तो ये साइलेंट मोड जो है वो एक्टिवेट कर देता है। दोबारा यदि हम प्रेस करेंगे तो वो जनरल मोड में डाल देगा फ़ोन को। तो ये काफ़ी इजी एक्सेस के बटन्स हैं जो मैंने सोचा आपको क्विकली बताए जाएं, जो आपके ऑपरेटिंग प्रोसीजर में काम आएंगे। आई एम वेरी श्योर आपका कोई और सवाल ज़रूर होगा इस फ़ोन को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देने में। और मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। हम इसको कुछ समय इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको इसका वर्डिक्ट दूंगा। लेकिन जहाँ तक इसका फर्स्ट लुक एंड फील का सवाल है, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है। इसका जो स्क्रीन है वो काफ़ी बेटर है। और अब इस ऑब्वियसली जैसे इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये जो सारे फीचर्स हैं ये नॉर्मल ईजी फ़ोन के फीचर्स हैं जो आप इसमें सेट कर सकते हैं फॉर क्विक कॉलिंग। और इस तरीके से आप अपटिल 8 आप अलग अलग लोगों की जो पिक्चर्स हैं वो सेव कर सकते हैं ताकि आपके जो एल्डर्स हैं वो किसी को भी कॉल कर सकें। दोस्तों, ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज आपका अपना रिपोर्टर एक और टेक्नोलॉजी और एक और अध्याय लेके जल्दी ही जुड़ूंगा। वंस अगेन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि यदि इस फ़ोन का ऑपरेटिंग मैनुअल आपको देखना हो तो इसका एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है इजी फ़ोन का, आप उसे ज़रूर देखें। उसके बाद आपके कोई सवाल बचते हैं तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। आई होप हमारी अनबॉक्सिंग आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रू टेक रिपोर्टर में मिराज आपका रिपोर्ट है एक और टेक्नोलॉजी और एक और अध्याय लेके जल्दी जुड़ूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।